वो भाई टेम्परेचर की बात ही मत -21 था गाइस, -21 था, क्या ही बताऊं अभी इसमें। और मेरी गलती क्या थी बालू है, मेरे को तो ऐसा थोड़ा एटीट्यूड था कि मैं वहाँ के क्या ठंडी लगेगी कुछ नहीं। मैं तो अकेला एक स्वेटर लेके गया भाई, वहाँ जाके तो जो मेरी फटी पड़ी है ना भाई, वहाँ जाके उसने जैकेट लिया, वहाँ जाके मैंने लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हमारे साथ अंजन भाई, हम जा रहे हैं सुशील भाई को लेने, इधर थोड़ा आगे ही उतरा है, हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, तो इसको लेने जा रहे हैं। वो भाई न्यू ईयर मनाने कहीं बाहर गया था, है ना, अकेला अकेला। देख लीजिएगा उसका ब्लॉग, देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो चले दिखा दो आपको, अभी दो लोग उधर ही खड़े रहेंगे। वो देखिए गाइस, वो खड़े रहे दोनों, देखो उसका, देखो डोकी दिखाई दे रही है, देखो सामने वो रहे, और ये हमारा भाई है, वो रहे, देखिए एक की दोनों की डोकी दिखाई दे रही है, देखा आपने, देखो वो रहे, और इधर है ट्रैफिक, हमको जाना है इधर, फिर भी इधर ट्रैफिक के लिए हमको खड़े रहना पड़ेगा। तो कोई दिख रहा है? तो गाइस अभी हम आ गए टेरेस पर, तो इधर का माहौल देखे पहले, तो अभी कोई कह सकता है क्या क्या उत्तरायण नज़दीक आ रही है, क्योंकि कोई है ही नहीं। और हमारे यहाँ जो है पॉल्यूशन, वो देखिए, वो इधर से ना समझ लो 2 किलोमीटर दूर है वो हॉस्पिटल है, वो भी ठीक से दिखाई नहीं रही दे रही, तो क्या करें। और ये है हमारा भाई जो आया है कल मनाली जाके, कैसा लगा आपको भाई, थोड़ा अब दिखाओ या बताओ कैसा लगा। रुको पहले वो वीडियो ढूंढ ले, आपको दिखाता हूँ बाजू में, देखे कैसा है मनाली। ये देखिए गाइस, इसने थोड़ा स्लो मोशन लिया, ये देखिए है कि नहीं, पूरा पहाड़ ही पहाड़ थे भाई, कैसे मजा आया होगा भाई तेरे को, तो मजा था कि नहीं? अरे बहुत मजा है ना, बर्फ दिखाता ये देखिए, कितने सारे फोटोज है भाई, बर्फ बर्फ दिखा भाई, बर्फ दिखा, बर्फ दिखा, फटाफट दिखा, तो मजा आए कुछ। ये वाला दिखाना कोई, हाँ देखो ये, ओ भाई इधर आप जाओगे तो कैसा मजा आएगा, है कि नहीं। तो अभी अपन लोग भी जाएंगे स्पेशल व्लॉग लेने के लिए, ये भाई जाके आए, ये भाई मेरे को ले जाने वाला है, तो चलिए। तो कल हम ये देखो, ओ भाई ये देखिए, भाई ने 31st वहाँ की है भाई, सुन लीजिए आप, 31st मना गया है, कैसा मजा आया कि नहीं वहाँ। मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, वो कैसा रहा, ये जवानी ये दीवानी का पिक्चर देखा है ना आपने, उस तरह से मेरा एक्सपीरियंस था। ओके, वो पहले हे जवानी दीवानी में कैसा एक्सपीरियंस होता है मालूम है, जो बंदा घूमने जा रहा है ठीक है, जो बंदा की फील है, जो फोटोग्राफी की फील है, अच्छा ठीक है, वो जो मैं करता हूँ मेरी लाइफ में तो वो ही है फोटोग्राफी, ठीक है। जो मैं फोटोग्राफी का सीख रहा था ना, तब से मेरा मगज में ऐसा है, मेरे को ये पहाड़ वाले बर्फ बर्फ में जाके, तो बोल भी रहा था ना, हाँ बोल रहा था ना, मेरा ऐसा थोड़ा प्लान है, बर्फ बर्फ में जाऊंगा, पहाड़ी पहाड़ी घूमूंगा। मैंने मनाली में रिवर राफ्टिंग की और क्या पैराग्लाइडिंग की है, और सारे दोस्तों से थोड़ा ऐसा थोड़ा नाच गाना और सब पार्टी वगैरह, बहुत मजा आया भाई। मेरे साथ यहाँ से एक दोस्त भी आया था, वो मेरा क्या क्लोज दोस्त है, मेरा स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, वो भी बोल रहा था कि मेरे को भी आना है, तो मेरे को ठीक है चल, तो उसको भी लेके गया मैं। फिर वहाँ जाके मैंने क्या किया, पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ, यहाँ से मैं पठानकोट गया ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में मैं गया, तब ट्रेन का जो एक्सपीरियंस था ना वो गजब लेवल का था, गजब मतलब मीन्स फुल फनली और थोड़ा मौज मस्ती वगैरह गजब लेवल। फिर वहाँ से मैंने पठानकोट गया, पठानकोट से टेम्पो ट्रैवलर आता है ना, वो करी थी हमारे पैकेज वालों ने, हमारे कंपनी वालों ने, तो उसको थोड़ा जान पहचान वाले हम बनाए, थोड़ा पहचान ही थोड़ी ज़रूरी है ना वहाँ पे, क्योंकि हम अकेले अकेले क्या करें, पहले तो मैं सोलो ही था, मेरे को कोई जानता नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था, ऐसा ही है ना। फिर पहले थोड़ा जान पहचान बनाई, फिर वहाँ जाके थोड़े मनाली पहुँच गए, रात सुबह हम पहुँचे सुबह मनाली को, ठीक है। मनाली में जो होटल का व्यू था भाई ऑसम, अच्छा भाई, वहाँ से मैंने वो होटल का व्यू कैसा था, जो खिड़कियाँ का हम पर्दा खोलते हो ना भाई, आप ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि क्यों वहाँ जाके जन्नत में आ गए भाई, जन्नत में प्रॉपर। अभी ये भाई को भी मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है, अभी तो थोड़ा क्या है, जाना है, अभी थोड़ा मैंने जस्ट है ना इसकी वीडियो और फोटो देखी ना,
मेरे को ऐसा हो गया अब मैं क्यों नहीं गया। मैंने बोला था इसको, मैं गया होता तो और ही मजा आता है ना, मैंने बोला था क्या करें, पर वो नहीं जा सका ना भाई, क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम थे, एग्जाम चल रही थी, क्या करें अभी, तो अभी तो उतरायण आने वाली है, उससे पहले कल एक और एक आपके लिए दिखाऊंगा, कहीं जाने वाले हम लोग। हाँ कहीं जाना है क्योंकि मेरा इंडिया में लास्ट वीक है, वीक बोल सकते हैं। आपको कल दिखाऊंगा पर क्या क्यों जाने वाला, किधर जाने वाला है, ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए। तो अगर आपको ये देखना हो तो अभी तो किधर डालेगा ना, इंस्टाग्राम पर डालेगा, तो इंस्टाग्राम पर आपका इसका जो है ना, तो आप लिख लो करण राठौड़ 9737 राठौड़, अभी का पे जाके देख के आओ, मजा आए तो उसको लाइक करके नीचे डाल दो तिलक फर्मा व्लॉग, ठीक है, फॉलो भी कर देना। हाँ फॉलो भी कर ओके फॉलो भी कर देना। तो अभी कल हम जाने वाले हैं रिसोर्ट पे, हमारे थोड़े और भाई बंधु आने वाले हैं, तो अभी हमारा भाई है वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो कल बताऊँगा आपको, तो इसके लिए फेयरवेल पार्टी रखी हमने, तो चलिए कल जाएंगे। तो अभी थोड़े दो तीन नमूने आ रहे हैं ना, वो दिखाऊंगा आपको, है ना। नहीं गाइस ये चैनल मेरा ही है, पर क्या मैं थोड़ा एक्सपीरियंस आपको दे रहा था, ये भाई जाके है ना, ये मेरे को कब से बता रहा है ऐसा था। मैंने बोला आपको भी दिखा देता हूँ कैसा था कैसे था। नहीं मैं तेरे को वीडियो दूंगा, तू डाल देना, ठीक है, थोड़े क्लिप डाल दूंगा एक आध दो। वो भाई टेम्परेचर की बात ही मत, -21 था, क्या ही बता, मेरी गलती थी, मैं तो एक स्वेटर लेके गया भाई, वहाँ जाके मैंने लिया, तो यार वो भी प्रॉपर आर्मी का मजा आया। तो अभी मैं भी जाने वाला हूँ, तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ आप नीचे कमेंट में डालो सर। तो गाइस अभी देखो शाम हो चुकी है, तो आज का व्लॉग अभी एंड कर रहा हूँ, वो दो नमूने आने वाले वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो कल दिखाऊंगा आपको, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल जाएंगे बाहर, है ना, बाय।